हेलो फ्रेंड्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जनरली यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैलेंस सेंसर्स इट वेट फास्ट स्टेबल एंड एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो रहते हैं जनरली इनके अंदर बैलेंस सेंसर्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि फास्ट स्टेबल एंड एक्यूरेट वेट जो है हमें प्रोवाइड करते हैं देन अपन इसका प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज वेड यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की हेल्प से ये जो है हमें वेट करके देता है वैन मेजरिंग एन ऑब्जेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स विद द ग्रेविटी ऑफ द मेजर्ड ऑब्जेक्ट इज यूज टू अचीव द मेज़रमेंट वेन द वेइंग पेन इज ऑन द वेट ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड the balance will produce an unbalanced state at this time the displacement of the coil in the magnetic steel can be detected by displacement detector electronic balance ko jaise अपन on karenge to jo apno ko measure karna hai usko weighing pan से नीचे रख देंगे क्योंकि जैसे स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ फ्लैक्चुएशन आता है इसलिए थोड़ी देर वेट करने के बाद अपन अपना मीडिया जो है मेज़र करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द मीजरमेंट रेंज इट कैन बी डिवाइडेड इन टू मीजरमेंट रेंज के बेसिस पे इसको तीन में डिवाइड किया है फर्स्ट वन इज अल्ट्रा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो अल्ट्रा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रहते हैं इसका मैक्मम वेइंग रेंज जो है सिर्फ टू टू फाइव ग्राम्स ही रहता है मतलब इसमें हम टू से फाइव ग्राम्स तक ही मेज़र कर सकते हैं नेक्स्ट टाइप इज़ माइक्रो बैलेंस वेइंग इज़ जनरली बिटवीन थ्री टू फिफ्टी ग्राम्स माइक्रो बैलेंस के अंदर हम थ्री टू फिफ्टी ग्राम्स जो है वे कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज सेमी माइक्रो बैलेंस सेमी माइक्रो बैलेंस जो रहते हैं वेइंग इज 2200 ट्वेंटी टू हंड्रेड ग्राम सेमी माइक्रो बैलेंस के अंदर हम ट्वेंटी टू हंड्रेड ग्राम्स जो है वे कर सकते हैं नेक्स्ट कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस द मैक्सिमम वेइंग इज़ अराउंड ट्वेंटी टू हंड्रेड ग्राम्स जो कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रहते हैं उसके अंदर अपन ट्वेंटी टू हंड्रेड ग्राम्स जो है बैलेंस कर सकते हैं नेक्स्ट वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस बैलेंस के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं फर्स्ट वन इज वेइंग पेन द वेइंग पेन इज माउंटेड ऑन द सेंसर एंड इज जनरली राउंड मेड ऑफ मेटल मटेरियल जो वेइंग पेन रहता है वो किसके ऊपर प्रेजेंट रहता है सेंसर के ऊपर जो कि जनरली राउंड रहता है और मेटल का बना रहता है नेक्स्ट वन इज सेंसर अंडर द वेइंग पेन ये वेइंग पेन के नीचे रहता है इट एक्ूरेसी इज़ वेरी हाई एंड सेंसीटिव सेंसर की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई रहती है और ये सेंसिटिव रहता है द बैलेंस शुड बी कैप्ट क्लीन बैलेंस जो है क्लीन रखता है पोजिशन डिटेक्टर इट्स रोल इज़ टू कन्वर्ट द लोड ऑन देंग पेन इंटू एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आउटपुट जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रहता है इनके अंदर पोजिशन डिटेक्टर रहता है जो कि अलग अलग पोजिशन पर इक्वली वेब प्रोवाइड कर रहे हैं इसके लिए यूज होता है पीआईडी रेगुलेटर रहते हैं जो कि इंश्योर फास्ट एंड स्टेबल सेंसर ऑपरेशन फास्ट एंड स्टेबल सेंसर ऑपरेशन प्रोवाइड करता है इसके अंदर डिस्प्ले रहती है जो कि हमें अंदर का वेट जो है डिस्प्ले पर दिख जाता है नेक्स्ट प्रोसीजर हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए फर्स्ट इज लेवल एडजस्टमेंट बिफोर टर्निंग ऑन द बैलेंस इट शुड बी ऑब्जर्व वेदर द ब्लिस्टर इन द स्प्रीट लेवल आर इन देंटर ऑफ द हमें इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को ऑन करने से पहले हमें देखना चाहिए उसका जो ब्लिस्टर है वो सेंट्रल लेवल मतलब बीच में ही प्रेजेंट है या नहीं देन वार्म अप आफ्टर पावरिंग ऑन अ मिनिमम वार्म अप टाइम ऑफ थर्टी मिनट्स इज रिक्वायर जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को ऑन करते हैं तो उसके अंदर वार्म अप टाइम थर्टी मिनट्स तक होना चाहिए दैट फॉर डू नॉट कट ऑफ द पावर फ्रिक्वेंटली इसलिए पावर को डायरेक्टली कट इमीजिएटली नहीं करना चाहिए वेइंग प्रेस ऑन द टर्न ऑन द डिस्प्ले देन उसके बाद वे करने के लिए अपन टर्न ऑन करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिस्प्ले द सेल्फ टेस इज कम्प्लीटेड बिफोर वेइंग डिस्प्ले पर हम लोग को अगर दिख गया कि प्रोसेस जो ऑन गोइंग हो रही है प्लेस द वेइंग पेपर एंड प्रेस टाइम प्रेस द टेयर की फिर अपन अपना जो वेइंग पेपर है उसको पेन के ऊपर रखेंगे दैन उसको टेयर करेंगे द डिस्प्ले शो ज़ीरो एंड पुट द वेइंग ऑब्जेक्ट जैसे ही उस पर डिस्प्ले पे हमें जीरो आ गया देन उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट अपन पेपर के ऊपर डालेंगे वेन द वेइंग इज़ फिनिश टर्न ऑफ द डिस्प्ले हमारी वेइंग फिनिश हो जाए तो डिस्प्ले को ऑफ कर देंगे प्रिकॉशंस क्या क्या फॉलो करना चाहिए है हमें इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को हैंडल करते टाइम each बैलेंस हैज़ अ फिक्स वेट डू नॉट यूज़ ओवर वेट सभी तरह के बैलेंस का वेट जो है फिक्स रहता है इसलिए हमें ओवर वेट नहीं करना है वेन वेइंग कोरोसिव आइटम भी केयरफुल नॉट टू स्पीट स्पील देम ऑन वेइंग पेन अगर हम कोई सा कोरोसिव आइटम को अगर वे कर रहे हैं तो ये हमें केयरफुली प्रिकॉशंस फॉलो करना चाहिए कि वह जो वेइंग पेन पे स्पील ना हो द बैलेंस मजब भी प्लेस ऑन अ स्टेबल वर्क बेंच और जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है उसको एक स्टेबल वर्क बेंच पर ही रखना है रेगुलर कैलिब्रेशन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का जो है रेगुलरेशन कैलिब्रेशन करते रहना चाहिए वार्म अप बिफोर यूज यूज़ करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को वार्म अप करना चाहिए दिज इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू